कक्षा छठी से दसवीं तक संपूर्ण संस्कृत व्याकरण सहित इस चैनल पर पढ़ाई हुई है तथा रीड संस्कृत दोनों लेवल की प्रथम एवं द्वितीय दोनों भाषाएं इस चैनल पर पढ़ाई हुई हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के अपना अपना अध्ययन करें। श्री गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः। कक्षा दसवीं के संस्कृत विषय के प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम आपको 12वें पाठ के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर पढ़ाएंगे, क्योंकि इससे पहले के वीडियो में हमने आपको जो श्लोकों का अनुवाद पढ़ाया था इस पाठ का, तो अब इस वीडियो के अंदर हम आपको ये प्रश्नोत्तर जो काफ़ी लंबे चौड़े हैं और ये शब्दार्थ पढ़ाएंगे। इसके बीच में एक टॉपिक और है अन्वय, अन्वय हम आपको नहीं पढ़ाएंगे। उसकी वजह यह है कि जब हमने श्लोकों को पढ़ाया तो अन्वय याद भी करवा दिया था, हाथों हाथ याद करवाया था आपको, ठीक है ना। जैसे शरीर विचक्षणेन चरकेश्वरेण प्रशंसित स अयम देश है शुष्क अपि सनसने आर्द्र भावेक रसो विशिष्ट है अतः नित्यम स रसे अस्ति। इस तरह से पहले श्लोक का अनुवाद होता अन्वय होता है। ये चीज़ हमने श्लोक के अनुवाद के दौरान ही आपको समझाती थी, लेकिन हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर जो आपके पुस्तक में जो अन्वय दिए गए हैं, ये अन्वय इसके अंदर भी कहीं कहीं संधि विच्छेद नहीं किए हुए हैं जो हमने करके बताए थे आपको, ठीक है ना। स्नेह आर्द्र भावे भाव एक, और यहाँ पर संधि है वृद्धि संधि, ये यहाँ पर नहीं की हुई है। वो चीज़ भी हमने खुल करके एक एक शब्द पर डिटेल से आपको बताया था पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम शब्दार्थ से शुरू करते हैं। शब्दार्थ के बीच में कोई जैसे वैसे तो आप भी पढ़ सकते हो, लेकिन कोई चर्चा का विषय हुआ तो उस पर चर्चा करेंगे और उसके बाद में प्रश्नोत्तर सीधे शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं शब्दार्थ। पहला है शरीर विज्ञान विचक्षणेन, यानी शरीर विज्ञानस्य यानी चिकित्सा शास्त्र से विचक्षणेन यानी विशेषज्ञेन। संस्कृत व संस्कृत का हिंदी यहाँ पर है ही नहीं। चिकित्सेन वेद्येन व इत्यर्थम, ये सब इसके अर्थ होते हैं। चरकेश्वरेण आचार्य चरकेण यानी आचार्य चरक द्वारा। स्नेह आर्द्र भावे रसे विशिष्ट, स्नेहेन आर्द्र भाव स्नेहार्द्र भाव केवलम तत्रसै, केवल मात्र उस एक रस से विशिष्ट है यानी युक्त। अर्थद्वयम् अत्र अर्थद्वयम्, यहाँ पर दो अर्थ है। गृतादि चिकनाई के एकमात्र रसों में या प्रेम और दया भाव आदि की एकमात्र मधुरता के कारण, ठीक है ना। प्रेम के आर्द्र भाव से तो यहाँ पर घी इत्यादि वहाँ मिलता है मरुस्थल में उसको, या फिर उन लोगों में बहुत अच्छा प्रेम है उनको, दोनों को यहाँ पर अर्थ बताया है। शुष्क अपि रुक्ष अपि यानी सूखा होने पर भी, ठीक है ना, वो डेजर्ट है। सरस है रसेन सहित है यानी रसयुक्त है। अत्रपि द्वयार्थम, रसयुक्त होता है वो स्वादिष्ट भी होता है आनंद युक्त भी होता है। अगला है शुवर्ण है यानी सुंदर, सुंदर वर्ण युक्त है या स्वर्ण रूप है, सुरंगा या रंगीला, इस तरह के इनके अर्थ होते हैं। फिर आता है मरु यानी मरु प्रदेश या सुमेरु पर्वत, ठीक है ना, ये दो अर्थ होते हैं इसके। फिर दृष्ट है यानी अवलोकित है यानी देखा गया। कुचित यानी कहीं पर, कुत्रचित, कुचित को कुत्रचित भी कहते हैं संस्कृत में, कहीं पर। सुदर्श्यम दर्शनीयम सुदर्शनीयम, मरु यानी मरु प्रदेशे मरु प्रदेश में। स्फुटम यानी स्पष्ट, भांति यानी शोभनते सुशोभित होते हैं। सुमेरु श्रृंगा यानी सुमेरु पर्वत शिखराणी, सुमेरु पर्वत के शिखर। कृष्णासु यानी श्यामासु काले। मृग्या यानी अन्वेषण यहाँ खोजने योग्य। क्वचित यानी कुत्रचित कहीं कहीं पर। और रम्य यानी रमणीय सुंदर। और सुकोमले यानी मृदु यानी कोमल नाजुक। भाष्वादि ज्योतिवाने यानी चमकीले। अब है आपका ज्योतिर्मय, ये उसका हो गया। हेमवर्णे यानी स्वर्णी में यानी गोल्डन सुनहरा। सेकत वप्र शानु, सेकत वप्र शानु, सेकत वप्र कहते हैं बालू का स्तूप को, ठीक है ना, बालू का स्तूप होता है ना उसको सेकत यानी बालू का, रेत का वप्र यानी टीला, और बालू का पर्वत या फिर उसका शानो यानी शिखरे, मिट्टी के टीलों या धोरों की चोटी होते ना उसको। प्रदोषे यानी निशीत काले यानी रात्रि में। सुखम यानी सुखपूर्वक, स आनंदम यानी आनंद के साथ। स्थितानाम यानी उपविष्टानाम बैठे हुए को। केशाम केशाम जनानाम किन लोगों का। चेतांसी यानी मनांसी यानी मन। विकाशवंती यानी विकासितानी प्रफुल्लितानी यानी प्रसन्न करता है। गंधवह यानी गंधम सौरभम सौरभ है ना हौरम, ऐसे मारवाड़ी में शब्द कहते हैं इसको, ये संस्कृत टू मारवाड़ी। वहति इति शमीर है यानी वायु। तित्तिराणाम यानी पक्षी विशेषाणाम। तित्तर इत्याख्यानाम तित्रों का।
तित्ति इति शब्दम करोति इति तित्तिर है। तित्तिक तिक तिक इस तरह से जो शब्द करता है उसको क्या कहते हैं? तित्तिर। ये संस्कृत शब्द है। विरावह कूजनम कूजितम, ये देखो ये समास विग्रह है। तित्ति इति शब्दम करोति इति तित्तिर है। विरावह कूजनम कूजितम ध्वनि, बरह विभूषणानाम, बरह यानी पुंच एवं विभूषणम यसा, पुंच एवं विभूषण यसाम ते मयूर मोर, तेषाम यानी उनका मोरों का, ठीक है ना। नर्तनम यानी नृत्य, कुरंगाणाम यानी कुरंगम हरिण, तेषाम हिरणों की, हिंदी में लिखी है। तुंदिला यानी स्थूला मोटे, है ना, बड़े बड़े। स्वादुरसा यानी सुमधुरा, अच्छे स्वाद वाले, मीठे मीठे। कलिंगा यानी कलिंग, इति देश विशेष है, किंतु अत्र तो फलम विशेष है। मतीरे हे लिखा हुआ है। शारदे शरद कालीन यानी शरद ऋतु में, चंचल चंद्रिका यानी चंचला चंद्र, ज्योत्सना यानी चंचल चांदनी। और उसके बाद में लिखा है स्फुराग अवलेशु यानी खग पंक्तिशु, स्फुरग है अवलेशु यानी पक्षियों की पंक्तियों में, स्फुरंति यानी स्पंदमाना, फड़फड़ाती हुई, दमदमाती हुई, दमकती हुई, स्फूर्ति यानी स्फूर्णम यानी कि तेजी। इसके बाद में आपके है क्रैमेल का नाम, क्रैमेल का नाम यानी उष्ट्रा नाम, ऊँटों की गति यानी गमन प्रकार चाल या गति, ठीक है ना। वर्षागमे यानी वृष्टि काले यानी वर्षा ऋतु में, चारु मरुम यानी सुंदर मरु प्रदेशम यानी सुंदर मरुस्थल, वीहा यानी त्यक्त्वा त्यक्ता यानी छोड़कर, क्वे यानी कुत्र कुत्र यानी कहाँ, चित्तम यानी मन, मन यानी मन, रमेत यानी रमणम कुर्यात खेलना चाहिए, सरसु यानी सरोवरेशु तड़ागेशु तालाबों में, शरत प्रसन्नम यानी शरद ऋतु में, सर्दी ऋतु में, प्रसन्नम यानी स्वच्छ, शरद ऋतु में, शरद ऋतु इव प्रसन्नम यानी स्वच्छ निर्मल, शरद ऋतु के समान साफ एकदम क्लियर। सलिलम यानी जलम, पय पानी, चकास्ति यानी शोभते, गावह यानी धेनव यानी गाये, प्रसन्ना यानी तुष्टा यानी प्रसन्न, मनुजा यानी मानवा मनुष्य, वृत्त दान यज्ञ यानी वृत्तेन दान यानी यज्ञेन च, वृत्त दान और यज्ञ से, विद्या समृद्धो यानी विद्याया समृद्ध है संपन्न, विद्या में समृद्ध, विधेय यानी विधातव्य संपादनीय या करणीय करना चाहिए, मानम यानी सम्मान आदर, मनीषिता यानी विद्वत्ता विचारशीलता मानवता, मैत्री यानी मित्रता, मरुत यानी वायु, मरीचिका यानी मित्रिष्णा मृग मरीचिका, ये सारे पाठों के अंदर पढ़ाए हुए हैं। मूर्धनि यानी शीर्षि यानी मस्तके यानी मस्तक पर, उष्णीक्षम यानी शिरोवैष्णम शिरस्त्राणम या पगड़ी, ओके ये शब्दार्थ हो गए। अब देखते हैं कृष्ण आंसर। अब ये आपका प्रश्नोत्तर में सबसे पहला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पाठे अस्मिन इस पाठ में शरीर विज्ञान विचक्षण यानी शरीर विज्ञान के विशेषज्ञ, इति विशेषणम यानी यह विशेषण कस्य कृत्य यानी किसके लिए प्रयुक्तम यानी प्रयुक्त किया गया है, आचार्य चरकस्य, आचार्य चार्वाकस्य, आचार्य सुश्रुतस्य, आचार्य वाग्भटस्य, तो आचार्य चरक के विषय में किया गया, ठीक है ना। अब ये इसका राइट हो गया, ये आचार्य चरक ए राइट हो गया, क्लियर हुआ। नेक्स्ट है मरु सुवर्णो नहि येन दृष्टे, मरु सुवर्णो सुनहरा मरुस्थल जिसने नहीं देखा है, इत्यस्य अर्थो अस्ति, इसका अर्थ है मरुभूमो येन स्वर्णम कांचनम न दृष्टम, मरुभूमो सुंदर वर्ण रंग येन न दृष्टम, स्वर्णस्य मरुप्रदेश येन न दृष्टम, सुवर्ण सुरंग स्वरूप स्वर्ण रूपम व मरुप्रदेशम येन न दृष्टे, तो ये इसका ये ई होगा। कैसे होगा बता देते हैं आपको। मरुभूमि में जिसके द्वारा सोना नहीं देखा गया, मरुभूमि में सुंदर रंग नहीं जिसने नहीं देखा, मरुभूमि में सोना नहीं देखा ये तो गलत हो गया, मरुभूमि में रंग नहीं देखा ये भी गलत हो गया, और सोने का मरु प्रदेश जिसने नहीं देखा ये भी गलत हो गया। अब सुनहरा स्वरूप वाला मरु प्रदेश जिसने नहीं देखा ये राइट हो गया ना, हो गया। शेकत वप्रशानु इत्यस्य कृत्ये प्रयुक्तम विशेषणम अस्ति, शेकत वप्रशानु यानी ये बालू के टीलों की चोटी, रम्य सुंदर है, सुकोमल है, हेमवर्ण है, ये तीनों ही विशेषण हमने पढ़े थे पाठ के अंदर, तो इसका ये उपयुक्तानि शर्माणि अपि, ये ई इसका राइट हो गया। अब ये चौथा क्वेश्चन है मरो सौंदर्यम वर्धते विशेषतः, मरुस्थल का सौंदर्य बढ़ता ही है विशेष रूप से, वसंतर्तो शीतर्तो
ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, वसंत ऋतु में, शीत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में या वर्षा ऋतु में। तो ये वर्षा ऋतु में बढ़ता है, ठीक है ना, शरद की चांदनी की तरह वर्षा ऋतु में मतलब उसका बढ़ जाता है। तो क्योंकि वहाँ कीचड़ वगैरह होता नहीं है, पानी जमीन में सोख लेता है। और मरु प्रदेश से के प्रसन्ना संति, मरुस्थल प्रदेश में कौन प्रसन्न होते हैं? गावय प्रसन्ना, मनुजा प्रसन्ना, व्रतदान यज्ञ देवा प्रसन्ना, एते सर्वे अपि, बिल्कुल राइट है, ये सभी प्रसन्न होते हैं। अब मानम मनीषिता इत्यादि पद्यानि कियंतानि वस्तूनि मरु प्रदेशे मुख्यानि प्रतिपादितवानि। ये मानम मनीषात वाला श्लोक है ना, उसमें कितने वस्तुओं को मरु प्रदेश में मुख्य रूप से प्रतिपादित किया गया, तो गिनते हैं। मानम एक हो गया, मनीषिता यानी सम्मान और मानवता, और मैत्री नंबर तीन, और गर्म हवा चार, मरीचिका पाँच, और मृग छः, और मनुष्यों के सिर पर पगड़ी सात। सात चीज़ मिलती हैं, तो यहाँ पर सप्त राइट होगा। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। प्रश्न है, ये प्रश्न है लघुत्रात्मक प्रश्न है। लघुत्रात्मक प्रश्नों के जो उत्तर बनते हैं वो संस्कृत में उत्तर देने हैं, लेकिन जो श्लोक वाले पार्ट होते हैं उसमें किस तरह से देने होते हैं, क्योंकि जो गद्यांश पार्ट होते हैं उसमें तो हम सीधे सीधे पता लगा लेते हैं। तो यहाँ लिखा है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणी लिखन्तु, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो चरकास्वरेण चरकाचार्येण यानी चरक नामक आचार्य द्वारा मरुभूमि, मरुभूमि की क्या विशेषता प्रकटिता, क्या विशेषता बताई गई। तो ये आपके पहले के कह का उत्तर बनता है। क्या बनता है कि उन्होंने जो विशेषता बताई वो श्लोक के अंदर, स्नेह आर्द्र भाव एक रसई विशिष्टा मरुभूमि अस्ति इति चरकाचार्येण प्रकटिता। स्नेह आर्द्र भाव रूपी यानी प्रेम रूपी प्रेम से भीगे हुए भाव वाला एकमात्र रसों से विशेष मरुभूमि है, इस प्रकार चरकाचार्य ने प्रकटित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरु देश यानी मरु प्रदेश में सेकत वप्राह यानी रेत के टीले बालू का स्तूपाह कीदर्शा संति यानी कैसे हैं। तो इसका आंसर भी आपके इस तरह से होगा, ये आपके दूसरे का आंसर है, खे का आंसर है। क्या आंसर है? मरु देशे शेकत वप्राह रम्या शुकोमला भाषवंत हेमवर्णा च संति। देखिए उस श्लोक के अंदर जो आपने पढ़ा था उसके अंदर मरु देशे यानी मरु प्रदेश में, श्लोक में पढ़ा था मरु प्रदेश में आपने जो श्लोक पढ़ा था ना, रम्य क्वैचिद सेकत वप्रशानु है ना, तो वहाँ पर वो सेकत वप्राह यानी रेत के टीले हैं वो रम्या, वहाँ पर तो सप्तमी में लिखा था, लेकिन यहाँ पर जो प्रथमा बहुवचन में लिखा है इसलिए सारे के सारे विशेषण प्रथमा बहुवचन में लिखने पड़ेंगे। रम्य का रम्या लिख दिया, सुकोमले का सुकोमला लिख दिया, श्लोक के अंदर सुकोमले हैं, भाषवती का भाषवंता है लिख दिया, ये प्रथमा बहुवचन है आपका, और हेमवर्णा चैसंति यानी मरु प्रदेश में बालू रेत के टीले सुंदर सुकुमार चमकते हुए और सुनहरे रंग के हैं। इस तरह से आपके खे का आंसर बन गया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो पीछे ले जा करके। गै क्या है? वर्षा गमे मरु मरु शोभा की दर्शी भवती, वर्षा के आगमन पर मरु प्रदेश की शोभा कैसी हो जाती है। तो इसके आंसर में भी ये आपके उत्तर बनेगा कि वर्षा गमे मरु देशे सरसु सरत प्रसन्न सलिल चकास्ति यानी वर्षा के आगमन पर मरु प्रदेश में तालाबों में शरद ऋतु के समान अत्यंत ताज़ा पानी सुशोभित होता है। यानी वर्षा ऋतु में सब जगह गुदला पानी होता है, लेकिन वहाँ पर क्या है कि बहुत ही ताज़ा पानी वहाँ पर मरुस्थल में दिखाई देता है वर्षा ऋतु में। अब आपका प्रश्न संख्या अंतिम है, मरु मरीचिका स्पष्टी कुर्वन्तु यानी कि, तो ये प्रश्न है, ये प्रश्न इसका आंसर तो अपने बुक के अंदर तो नहीं है, ये जो प्रश्न है ना इसकी चर्चा कर रहे हैं अपने, मरु मरीचिकाम स्पष्टी कुर्वन्तु, ये लघुत्रात्मक के पहले का घ है। मरु मरीचिका यानी जो मृग तृष्णा है उसको स्पष्ट कीजिए। तो इसके जब श्लोक को पढ़ाया था तो उस समय तो हमने आपको स्पष्ट किया था, लेकिन उसको कम से कम इतने शब्दों में स्पष्ट किया जा सकता है, जो कि ये आपके पहले के घ का आंसर बनता है।
तो देखिए मरु क्षेत्रे ग्रीष्मकाले मध्याने सूर्यातपे वाष्पीकरण कारणे किंचित दूरे जलम इव प्रतिभाति। मृग तम दृष्ट्वा जलम पातुं तत्र गच्छते किंतु तत्र तु जलम नैव यतो हि मरीचिका दूरात एव प्रतिभाति। बहुत ही स्पष्टीकरण हुआ है, अगर बोर्ड परीक्षा में पूछे तो आपको यही आंसर लिखना है। इसका मैं हिंदी ट्रांसलेट करता हूँ। देखो अकॉर्डिंग टू आप भी बना सकते हो ऐसे, अगर आप आपको शब्द रूप आता है तो। देखिए मरु प्रदेश में सप्तमी विभक्ति, ग्रीष्मकाले गर्मियों के काल में, मध्याने यानी दोपहर में सप्तमी है, सबके अंदर सप्तमी है। सूर्यातपे सूर्य की धूप में यानी दोपहर में, मरु प्रदेश में गर्मियों की ऋतु में दोपहर में सूर्य की धूप में वाष्पीकरण कारणे यानी वाष्पीकरण के कारण से किंचित दूरे यानी कुछ दूर कुछ दूरी पर जलम एव प्रतिभाति पानी की तरह लगता है, यानी वहाँ पर कुछ दूरी पर ऐसा लगता है कि वो पानी है लेकिन वो वाष्पीकरण होता है, ठीक है ना। मृग है यानी हिरण, तम यानी उसको, दृष्ट्वा यानी देखकर, जलम यानी पानी, पातुम यानी पीने के लिए, तत्र गच्छति यानी वहाँ जाता है, किंतु लेकिन, तत्र यानी वहाँ, तू यानी तो, जलम यानी जल, नेव यानी नहीं होता है, न एव नहीं होता है, लेकिन वहाँ तो जल नहीं होता है। यतो ही क्योंकि मरीचिका दूरात एव प्रतिभाति, मरीचिका होती है वो दूर से ही प्रतिभाति यानी महसूस होती है, पास में जाने पर दिखती नहीं है, दूर से दिखती है, इसलिए उसे मृग तृष्णा कहते हैं, हिरण की तृष्णा होती है वो, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये पहला क्वेश्चन हो गया। ये आपका क्वेश्चन है दूसरा, कै खंडम खै खंडे यथोचितम योजित, कै खंड को खै खंड से जैसा उचित हो उसके अनुसार योजित यानी जोड़ना चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, अंतिम क्वेश्चन होगा आपके पेपर का, बोर्ड परीक्षा के पेपर का अंतिम क्वेश्चन है, कै खंड को खै खंड से जोड़ना है, लेकिन वहाँ पर या तो दोनों आपस में विशेषण विशेष्य होंगे, या दोनों आपस में विलोम शब्द होंगे, या किसी तरह से जुड़े हुए होंगे, लेकिन यहाँ पर तो इसने यथोचित लिख दिया। यथोचित का मतलब होता है आपको जैसा उचित लगे, या तो आपस में विशेषण विशेष्य होंगे, या आपस में किसी न किसी तरह से वो क्या है, कनेक्टेड है। तो चरक, चरक किससे कनेक्टेड है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये जो आपका शरीर विज्ञान, ये शरीर विज्ञान ही है कौन, चरक, इसलिए इसको किससे मिला देंगे अपन, इसको सीधा सीधा शरीर विज्ञान से मिला देंगे इस तरह से। अब बरह विभूषणा, ये जो होते हैं मोर, ये मोर क्या करते हैं, ये नर्तनम करते हैं, तो इसको किससे मिला देंगे, नर्तनम से मिला देंगे, मिला दिया, ठीक है। अब गंधवह, गंधवह यानी सुगंधित, सुगंधित क्या है, शमीर, इसलिए इसको किससे मिला देंगे, शमीर से मिला देंगे, क्लियर हुआ। अब देखिए मूर्धा, मूर्धा का मतलब होता है सिर पर, सिर पर क्या है, उष्णिस, पगड़ी, इसलिए अपन इसको उष्णिस से मिला देंगे, क्लियर हुआ। अब तित्तिरा, तित्तिरा यानी वो जो मतलब तितर, वो क्या करते हैं, बिराव करते हैं, मतलब कुजन करते हैं, इस तरह से आपस में कनेक्टेड होते हैं। कलिंगा कैसे हैं, मतीरे कैसे हैं, तुंदिला है, ठीक है ना, तो इस तरह से तुंदिला उसको जोड़ दिया। अब कुरंगमाणा, कुरंगमा कौन है, ये हैं आपके हिरण, हिरण क्या करते हैं, समुत्प्लति, इसको यहाँ, ठीक है ना, ये आपके क्या करते हैं, ये आपके जो है उछलते हैं, इस तरह से आपके ये सब आपस में कनेक्टेड है। अब ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, इसमें लिखा अधोलिखित पदानाम पर्याय पदानी पाठात अनविष्य लिखित, नीचे लिखे शब्दों के पर्यायवाच्य शब्द पाठ से चुन करके लिखने हैं। पहला का इसने क्या लिखा है, विशेषज्ञ, विशेषज्ञ क्या क्या बन गया, विचक्षण है, ठीक है ना, तो ये तो इन्होंने लिख दिया है पर्यायवाच्य शब्द पाठ में से। अब वृक्ष है, वृक्ष का पर्यायवाच्य शब्द है पाठ के अंदर क्या है भाई, शुष्क है, अपि वाला वन है, सूक्ष्म है, वृक्ष का मतलब शुष्क है, सूखा, दोनों का अर्थ होता है। वायु के लिए पाठ के अंदर समीर शब्द है, मरुत भी लिखा हुआ है, दोनों शब्द हैं, तो अपन समीर लिख देंगे। उष्ट्र के लिए पाठ के अंदर क्रैमेलक लिखा है, क्रैमेलक यानी केमल या ऊंट। और श्रेष्ठाणम, श्रेष्ठाणम के लिए उष्णियम लिखा है, उष्णियम का मतलब पगड़ी, ठीक है ना। और हरिण के लिए, हरिण शब्द संस्कृत है, हिरण शब्द हिंदी है, ये बात याद रखना। हरिण के लिए संस्कृत में क्या लिखा हुआ है अपने पाठ के अंदर, कुरंगा, कुरंगा, ठीक है ना। और मयूर के लिए पाठ के अंदर क्या लिखा है, ब्रह विभूषणाम,
ब्रह विभूषणम। और एक जो शब्द है आपका वो इस पेज के बाद में लिखा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पर नहीं है तो उसको हमने यहाँ पर लिख के बता दिया है। वहाँ पर लिखा है निशा काल है या निशारंभ है। इस शब्द का अपने बुक के अंदर लिखा है प्रदोष, प्रदोष काल लिखा है, ठीक है ना। तो सबको लिख के बता देते हैं आपको, ठीक है ना, ये सब आपके पाठ के अंदर लिखे हुए हैं। इसका लिखा हुआ शुष्क, इसका लिखा है शमीर, इसका लिखा है क्रैमेलक, इसका लिखा उष्णियम, इसका कुरंगा और इसका ब्रह विभूषण और इसका प्रदोष लिखा हुआ है। ये पाठ के अंदर से ही लिखना, बाहर से नहीं। इस तरह से आपका प्रश्न पूछा जाएगा बोर्ड परीक्षा में कि जो आपको किसी को पर्यायवाची शब्द पूछा है वो किसी गद्यांश के बाद में पूछा है, तो उसको आप गद्यांश के अंदर से ही लिखोगे, मन से नहीं लिखोगे, ठीक है ना। अब ये चौथा प्रश्न है, इसके अंदर लिखा अधस्तन पदानाम विलोम पदानी पाठा चित्वा लिखन्तु। नीचे लिखे पदों के विलोम शब्द लिखने हैं, वो पाठ से चुन करके लिखने हैं, मन से नहीं लिखने हैं। तो सबसे पहला है आपका शुष्क, इसका तो इन्होंने लिख दिया सरस है। और निंदित है, इसका पाठ के अंदर क्या लिखा है भाई, प्रशंसित है, है ना, प्रशंसित है। और उष्ण, उष्ण का पाठ के अंदर क्या लिखा हुआ है, शीतल लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। अगर आपने पिछले वाला वीडियो पढ़ा है तो आपको पता है, वरना कैसे है। और खिन्न, खिन्न का पाठ के अंदर लिखा है प्रसन्न, ठीक है ना, मनुजा प्रसन्ना, देवा प्रसन्ना है कि नहीं। दरिद्र, दरिद्र का गरीब होता है, उसका विलोम शब्द है समृद्ध, ठीक है ना। अब आपको समृद्ध करना है मरुस्थल भूमि को, पाठ के लास्ट में सातवें श्लोक के अंदर है, ठीक है ना। अपमानम, अपमानम या अपमान है, इसका विलोम शब्द आपके पाठ के अंदर है मानम या मान है, ठीक है ना, मानम लिखा हुआ है। और कृश, कृश का मतलब छोटा पतला दुबला, इसका विलोम शब्द पाठ के अंदर है तुंदिला, है ना। और कठोर, कठोर का विलोम शब्द है पाठ के अंदर सुकोमल, वो सारे पाठ के अंदर से विलोम शब्द लिखना है। ये लीजिए, लिख के भी आपको बता दिया है, ये सुस्के वाला तो लिखा है सुस्क है, सहरस है, निंदित का प्रशंसित है, उष्ण का विलोम शब्द शीतल है, खिन्न का प्रसन्न है, दरिद्र का समृद्ध है, अपमानम या अपमान है का मानम है, कृष का तुंदिल है और कठोर का सुकोमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पांचवा, पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, अधस्तन पदानी आदृत्य उदाहरणम च अनुसृत्य संस्कृतेन वाक्य रचना कुरुंतु। नीचे लिखे पदों को आधार बना करके और उदाहरण को अनुसार संस्कृत में वाक्य बनाना है। जैसे अयम का इसने वाक्य बनाया, अयम पुल्लिंग शब्द है, इदम सर्वनाम शब्द है, अयम भारत देश है, विश्व गुरु इति कथ्यते, यह है भारत देश, विश्व गुरु इस प्रकार कहलाता है। तो विहाय का आपको क्या बनाना है, विहाय का मतलब छोड़कर, तो इसको जैसे बना सकते हैं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। तो अहम, मैं, तुम्हें, द्वितीय लिखना पड़ेगा, त्वाम विहाय कुत्रापि न गमिष्यामि, ठीक है ना। ये आपके हो गया अहम त्वाम विहाय कुत्रापि न गमिष्यामि, मतलब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। फिर आता है प्रातः, प्रातः का आप जैसे बना दो, मैं प्रातः हमेशा व्यायाम करता हूँ, तो अहम प्रातः सर्वदा व्यायामम करोमि, ठीक है ना, ये आपका बन गया प्रातः वाला, अहम प्रातः सर्वदा व्यायामम करोमि, ठीक है। प्रदोषे, तो प्रदोषे का बना दो, अहम प्रदोषे कदापि बहिर् न गमिष्यामि, मैं रात को कभी भी बाहर नहीं जाता हूँ, ठीक है ना, मैं प्रदोष काल में कभी भी बाहर नहीं जाता हूँ। गच्छामि होगा, गमिष्यामि नहीं होगा, गमिष्यामि नहीं जाऊँगा। मैत्री, ठीक है ना, मैत्री का आप एक वाक्य बना सकते हो, तुम्हारी और हमारी मित्रता अमर रहेगी। तो तुम्हारी मतलब एक वचन के लिए लिख दो, तव मम च मैत्री अमर रहेगी, अमरम भविष्यति, अमर रहेगी, ठीक है, ये आप लिख सकते हो, तव मम च मैत्री अमरम भविष्यति, तुम्हारी और मेरी मित्रता अमर रहेगी। इस तरह से वाक्य बना दिए। अब अपने हैं प्रश्न निर्माण, स्थूल पदान, स्थूल अक्षर पदान आश्रित्य संस्कृतेन प्रश्न वाक्यम निर्माणम क्रियताम। स्थूल अक्षर वाले पदों को आश्रित बना करके संस्कृत में प्रश्न निर्माण कार्य करना है। तो यहाँ पर आपको वो तो पता ही है कि जो किम सर्वनाम शब्द है उसका तो प्रयोग करना ही है, बाकी का भी यहाँ प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे अयम देश है शुष्क अपि सरस है, तो अयम यानी यह है देश शुष्क होते हुए भी रस वाला होता है,
तो कौन सा देश, तो कौन सा को कह कह दिया इसने और खड़ी पाई की जगह क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो अपन को भी ऐसे करना है कि पहले इसका हिंदी अनुवाद करते हैं, फिर हिंदी अनुवाद में इसका जो प्रश्न बनता है वो हिंदी में बोलेंगे और उसके बाद में उसको संस्कृत में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन संस्कृत में जो ये हाईलाइट वर्ड है उसको ही चेंज करना, बाकी को नहीं करना है। तो मरु तुंदिला कलिंगा भवंती, मरु प्रदेश में मोटे मतीरे होते हैं। तो मोटे मतीरे होते हैं तो इसका प्रश्न कैसे बनेगा, मरु प्रदेश में कैसे मतीरे होते हैं। तो कैसे को मतलब संस्कृत में क्या कह देंगे, कीदृश, कीदृश को बहुवचन में बोलेंगे कीदृशः, तो अपने इसकी जगह कीदृशः लिखेंगे, ठीक है ना। मरो सेम टू सेम लिखना, आपको लिखना है यहाँ, मैंने सिर्फ कीदृशः लिखा है, आपको यहाँ लिखना है, खुद करोगे तो ज़्यादा याद होगा। क्या लिखोगे, इसका प्रश्न क्या बनाओगे, मरो कीदृशः, तुंदिला की जगह कीदृशः लिखना है, कलिंगा भवंती सेम टू सेम, और खड़ी पाई की जगह क्वेश्चन मार्क करना है। फिर आता है प्रदोषे चेतांसी विक्षन्ति, ठीक है ना, रात्रि में मन प्रसन्न होता है। तो यहाँ इसकी जगह हिंदी में क्या प्रश्न बनेगा, कब मन प्रसन्न होता है, तो कब को संस्कृत में क्या कहते हैं, कदा, ठीक है ना। तो प्रदोषे की जगह कदा लिखना है, बाकी सेम टू सेम लिखना है, कदा चेतांसी विकाशवंति, क्लियर हुआ। अब देखियो सुमेरु श्रृंगा मरु भांति, सुमेरु श्रृंगा यानी सुमेरु की चोटियाँ मरुस्थल में सुशोभित हो रही है। सुमेरु पर्वत की चोटियाँ कहाँ पर सुशोभित हो रही है, मरुस्थल में, सप्तमी एक वचन, सुशोभित हो रही है। तो इनकी जगह आएगा क्या, क्या मरुस्थल में सुशोभित हो रही है, तो क्या की जगह ये पुल्लिंग है, प्रथमा बहुवचन है। तो श्रृंगा, श्रृंगा ये आपका जो है पुल्लिंग है, प्रथमा बहुवचन है, तो अपन पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन में क्या लिखेंगे, के, क्या लिखेंगे, के, बाकी सब सेम टू सेम लिखेंगे, ठीक है ना। ये आपका इधर हो गया और बाकी लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब तित्तिराणाम विराव है मधुरे, तित्तरों का कूजन बहुत मीठा होता है। तो यहाँ पर ये पुल्लिंग शब्द है और षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, तो अपन भी पुल्लिंग षष्ठी बहुवचन, किम सर्वनाम शब्द का पुल्लिंग में षष्ठी बहुवचन में होता है केशाम, स्त्रीलिंग में होता है काशाम, तो यहाँ पर कैसाम लिख देंगे, बाकी सेम टू सेम लिख देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क करना ही है। मरु देश है चरकेश्वरेण प्रशंसित है, तो ये प्रथमा एक वचन है, पुल्लिंग है, तो प्रथमा एक वचन पुल्लिंग किम सर्वनाम शब्द का बताएं, का चरकेश्वरेण प्रसिद्ध है, आ गया समय। इस तरह से आपको क्वेश्चन बनाना है आपको खुद को। अब इसके बाद में बात करते हैं निबंधात्मक प्रश्नों की, तो निबंधात्मक प्रश्न जो है वो आप तभी कर पाते हैं जब आप संस्कृत व्याकरण में पूरे पारंगत हो जाते हैं, और तभी जा करके आप कर पाते हैं, वरना उसको करने से, फॉर्मेलिटी करने से कुछ भी नहीं होता है। हम फॉर्मेलिटी करते नहीं हैं इसलिए इनको छोड़ देते हैं। आपको अगर किसी भी मतलब संस्कृत के अंदर रट करके नहीं लिखना है, ठीक है ना। जैसे पहला प्रश्न है मरुभूमि के सौंदर्य को सहारा देते हुए 10 वाक्य संस्कृत में लिखने हैं, अब 10 वाक्य आप रट के जाओगे तो आप क्या क्या रटोगे, रटे जाते हैं फॉर्मूले, ठीक है ना। आप खुद अपनी मर्जी से वाक्य बनाओगे, वो संस्कृत व्याकरण पूरी आपको आएगी तब जाके, वरना आप नहीं बना सकते, ठीक है ना। मरु प्रदेश के वर्षाकालिक महत्व को वर्णन कीजिए, तो इस तरह के क्वेश्चन के आंसर आप मन से लिखोगे और वो भी आप पाठ के पीछे देख करके उसमें क्या हिस्ट्री लिखी उसके अनुसार आप खुद बना करके लिख सकते हो। इस तरह से निबंधात्मक प्रश्न होते हैं। अब अपन ले लेते हैं इसी पाठ के व्याकरणात्मक प्रश्न, ठीक है ना। व्याकरणात्मक प्रश्न का पहला प्रश्न है जो है आपके संधि विच्छेदम या फिर संधि कुरुत, अगर संधि है तो उसका विच्छेद करना है और संधि विच्छेद है तो उसका संधि करना है, केवल इतना ही करना है, लेकिन हम आपको यहाँ पर संधि का नाम भी बताएंगे। देखिए प्रशंसित हो अयम, इसका संधि विच्छेद तो होगा प्रशंसित है प्लस अयम, ठीक है ना, ये इसका संधि विच्छेद होगा। लेकिन यह संधि कौन सी आपको पता है, लास्ट में देखो अवग्रह चिन्ह से पहले ओ की मात्रा या ए की मात्रा होती है ना, तो वहां पर होती है आपके पूर्व रूप संधि। तो यहां पर ओ की मात्रा है तो यहां विसर्ग करना है, और ए की मात्रा है तो कुछ नहीं करना है, ए की मात्रा है तो सेम टी सेम, जैसे प्रशंसित अयम, ते है तो ते का ते लिखना है और अयम लिख देना है, वो दो नियम है। सिर्फ आपके ए की मात्रा होनी चाहिए या ओ की मात्रा होनी चाहिए, पूर्व रूप संधि कहलाती है। जब ओ की मात्रा होती है ना, तो यहाँ पर केवल पूर्व रूप संधि भी नहीं है, यहाँ पर उत्व विसर्ग संधि भी है और गुण स्वर संधि भी है, यहाँ पर तीन संधियाँ हैं जो मुख्य रूप से यहाँ पर पूर्व रूप संधि मानी जाएगी। बाकी चीज़ आपको डिटेल से समझ नहीं है तो हमारे चैनल पर संधि पढ़ाई हुई है। अब देखो शुष्क है अपी, तो ये सेम पोजिशन यहाँ पर आ गई, ए के बाद विसर्ग और यहाँ पर अ, यहाँ पर ए के बाद विसर्ग और यहाँ पर अ, तो ये भी आपके पूर्व रूप संधि है, यहाँ विच्छेद है उसको संधि बनाना है, यहाँ संधि को अपन ने विच्छेद बनाया, तो यहाँ पर कौन सी संधि है,
यहाँ पर आपके ये पूर्व रूप संधि है, ठीक है ना। सुस्को हो अपि, इस तरह से आपका ये वाला सेम बन जाएगा, ये बन गया। और यहाँ पर गुरु रूप संधि भी है और विसर्ग उत्व विसर्ग संधि भी है और आपके गुण स्वर संधि भी है, ये भी बात हमने बताई थी। तत्नर्तनम, तत्नर्तनम के अंदर देखो यहाँ पर द्वितीय पद का प्रथम अक्षर पांचवा होता है ना, तो अनुनासिक संधि बन जाती है। अनुनासिक का मतलब है यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा चौथा है तो उसको भी पांचवा बनाओ, तो यहाँ पर पहला है तो उसको पांचवा बनाओ, पहला तय वर्ग का है तो तय थ द ध न बन जाएगा, इसका अध न बनेगा तो इसके साथ में जुड़ जाएगा तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है ना। ये न आधा तय है, ठीक है ना, पाठ पढ़ाते हुए हम बार बार बोलते हैं इस आधे न का आधा तय बन गया, तो यहाँ तत् बन गया और इधर नर्तनम बन गया, ठीक है ना। तो ये तत् नर्तनम इस तरह से उस नृत्य को। अब तास्ताहा, इसके बाद में देखिए यहाँ पर आधे सह का विसर्ग बन गया, तो ये जो ता है उसी तरह का यहाँ पर ता बन गया। जब सह का विसर्ग बनता है तो आपके सत्व विसर्ग संधि होती है, तो ये आपका शब्द ऐसा बन जाएगा तहा तहा, ठीक है ना, ये आपके सत्व विसर्ग बन गई। क्वान्यत्र, क्वान्यत्र के अंदर देखो पहले ये चीज़ समझनी है कि वह से पहले आधा अक्षर होता है तो आपके यण संधि होती है, लेकिन उसके बाद में भी कोई वर्ड बनना चाहिए, उससे पहले भी कोई वर्ड बनना चाहिए, तो यहाँ पर वह से पहले आधा अक्षर है तो वह का ऊ बनेगा तो कु बन जाएगा, कु के बाद में अन्यत्र है, अन्यत्र कोई वर्ड नहीं होता है, तो क्या करें कि दूसरा विकार ढूंढते हैं। तो आ की मात्रा कहाँ होती है, आ की मात्रा होती है आपके दीर्घ संधि में, तो यहाँ पर बनेगा क्व और यहाँ पर अन्यत्र, तो कै का मतलब कहाँ, अन्यत्र का मतलब कहीं दूसरी जगह, तो यहाँ पर दीर्घ संधि ही होगी, ऐसे ये अपने संधि विच्छेद किया, ठीक है ना। अब कस्य अपि, यहाँ पर भी दीर्घ संधि है, ए के बाद में आ आया तो दीर्घ संधि बनी, दीर्घ संधि से आ बना, आ वह के अंदर जुड़ा इधर, तो यहाँ पर यह और ए दोनों मिलकर के आ बनेगा, आ यह के अंदर जुड़ करके या बनेगा, कस्यापि बन जाएगा, ऐसे समझ में आया, कस्यापि ये आपके दीर्घ। अब ये देखो मैंने आपको जो चीज़ यहाँ पर बताई थी ना, प्रशंसितो अयम, तो ये आपके पूर्व रूप संधि है, तो यहाँ पर आ गया, देखो वहाँ यहाँ लास्ट में ए की मात्रा या ओ की मात्रा होनी चाहिए, तो ये तो विच्छेद है। समये अपि, इसके बाद में जो ये अ है इसका अवग्र चिन्ह बन जाएगा, बाकी कुछ नहीं बनेगा, ऐसे ठीक है ना। समये अपि ऐसे हो गया, ये आपके पूर्व रूप संधि है। यन्य, ये सेम टू सेम संधि है ये वाली, तन्नर्तनम, तो यन्य डबल न है तो इतने का तय बन गया, तो तत् की जगह यत बन गया, नर्तनम की जगह न बन गया, तो यत प्लस न, ये भी आपकी अनुनासिक संधि है। इस तरह से यत और न, इस आधे तय का आधा न बन जाएगी, क्योंकि द्वितीय पद का प्रथम अक्षर होता है वो यहाँ पर प्रभावशाली होता है, लेकिन चेंज हमेशा प्रथम पद का अंतिम अक्षर होता है, तो यहाँ पर द्वितीय पद का प्रथम अक्षर पहला दूसरा तीसरा होता, तीसरा चौथा होता है ना, तो ये तीसरा बनता है। द्वितीय पद का प्रथम अक्षर पहला दूसरा होता है तो पहला बनता है, वो चरत्व संधि होती है। तीसरा चौथा होता है तो तीसरा बनता है, वो आपकी जस्तव संधि, और पांचवा होता है तो भी तीसरा बनता है, लेकिन अगर पांचवा होता है तो उसको पहला पांचवा बना सकते हैं, वो अनुनासिक संधि, अनुनासिक संधि वैकल्पिक संधि है किसकी, वो आपने एक शब्द सुना वो एतन मुरारी एतत मुरारी, इस तरह से यहाँ पर अ के बाद में ई आए तो ए बनता है, वो आपके गुण संधि है, ए क के अंदर जुड़ा के बन गया, चरकेश्वर है, इस तरह से इसका शब्द बनेगा गुण संधि से, यह शब्द बन गया आपके चरकेश्वर है, क्लियर हुआ। अब गतियश्च है, इस शब्द के अंदर ये देखो च नीचे है, जो नीचे अक्षर होता है वो पूरा होता है, उसके अंदर ए की मात्रा, ऊपर क्या है शय, आधे शय का विसर्ग बन गया, तो यहाँ पर गतिय तो है ही, गतिय तो है ही, अब गतिय के अंदर आधे शय का विसर्ग बन गया, तो गति ही गति गतिय है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन हो गया, इधर च आ गया, तो जहां पर शय का विसर्ग बनता है वहां सत्व विसर्ग संधि होती है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपना क्वेश्चन आ गया दूसरा क्वेश्चन क्या है, अधोलिखित सु व्याकरण का दूसरा, ठीक है ना, व्याकरणात्मक प्रश्न, इस पाठ के अंदर प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे हैं। अधोलिखित सु पदेशु प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत, प्रकृति प्रत्यय करना है, तो ये तो शब्द है विशिष्ट है, इसमें प्रकृति प्रत्यय करेंगे तो एक तो वी उपसर्ग है और एक शिष्य धातु है और लास्ट में ट विसर्ग या त विसर्ग होता है, वहां पर कत प्रत्यय होता है, ये कत ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर प्रशंसित है, इसके अंदर प्र उपसर्ग है, ठीक है ना, प्र उपसर्ग और संस धातु है, संस धातु के साथ में कत प्रत्यय है, ठीक है ना, ये इस तरीके से हो गया आपके प्र उपसर्ग संस धातु और कत प्रत्यय, तो आपका ये क्या हो गया प्रशंसित है, लेकिन ये कत ऐसे लिखना है, ठीक है ना, कहीं कहीं पर ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको जो कि गलत होता है, ये कत कभी ऐसे नहीं लिखा था, पासबुक में ऐसा लिखा हुआ है जो कि गलत है, ओके। अब देखते हैं दृष्ट है, दृष्ट के अंदर दृश्य धातु कत प्रत्यय, कोई उपसर्ग नहीं है,
कोई उपसर्ग नहीं है, दृश्य धातु है और कत प्रत्यय, ठीक है ना। उसके बाद में सुदृश्यम, सुदृश्यम में आपको पता है उपसर्ग क्या है, शु और दृश्य धातु है, और यहाँ पर ये नपुंसक लिंग अर्थ में लिखा है, इसलिए ये दृश्यम के अंदर भी कत प्रत्यय है। दृश्य लिखो चाहे दृश्यम लिखो, दृष्ट है लिखो या दृष्टम लिखो, सेम बात है। दृष्टम में भी कत प्रत्यय है, दृश्य है, दृष्ट है के अंदर भी कत प्रत्यय है, दृष्टम के अंदर भी कत प्रत्यय है, दृश्यम में भी कत प्रत्यय है, दृश्य है विसर्ग के अंदर भी कत प्रत्यय है। इसलिए इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे सु उपसर्ग दृश्य धातु और कत प्रत्यय, क्लियर हुआ। अब नर्तनम, नर्तनम में आपको पता है नृत्य धातु है, नृत्य धातु नृत्यते नृत्यते नृत्यंते का रूप चलता है, धातु का मतलब क्रिया होता है, और इसके अंदर आपका जो है ये ल्यूट प्रत्यय है। ल्यूट प्रत्यय क्या करता है, पठनम वदनम गमनम नर्तनम इस तरह से रूप बनाता है, उसके अंदर ल्यूट प्रत्यय होता है। ओके, इस तरीके से आपका ये ल्यूट प्रत्यय होगा, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत बड़े समझने की चीज है, समोत्प्लोति, तो यहाँ देखो सम मैं हलंत हुआ तो क्या हुआ, सम उपसर्ग हो गया, और एक मैं के अंदर से ऊ निकला और त तो उत उपसर्ग हो गया, दो दो उपसर्ग है। और उसके बाद में प्लू, प्लू क्या है, प्लू आपका जो है प्लू आपका धातु है, ठीक है ना, दो उपसर्ग हो गए एक धातु हो गया। और उसके बाद में ती विसर्ग आता है, वहाँ कतिन प्रत्यय होता है, ठीक है ना, समोत्प्लोते ही यानी उछल कूद, ये स्त्रीलिंग शब्द बना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो उपसर्ग है, एक धातु है और एक कतिन प्रत्यय है। कहीं कहीं पासबुकों में लैप प्रत्यय लिखा है जो गलत होता है, यहाँ पर आपका कतिन प्रत्यय है। ऐसे आपके इसके अंदर सम उपसर्ग भी है, उत उपसर्ग भी है, और प्लू धातु है और कतिन प्रत्यय है, क्लियर हुआ, दो उपसर्ग है यहाँ पे। अब स्फुरंती, स्फुरंती को ध्यान से देखो, ये स्त्रीलिंग शब्द है, वो जो पंक्ति स्फुरंती यानी स्फुरंती यानी आपके जो हिलती हुई, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो आपके मूल शब्द है वो क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये स्फुरन शब्द है, क्या है, स्फुरन, स्फुरन शब्द के अंदर सत्री प्रत्यय है। आपको पता है पठन वदन हसन गच्छन ये सब सत्री प्रत्यय के होते हैं, सत्री प्रत्यय हुए अर्थ में होता है। अब इसको स्त्रीलिंग में लिखेंगे, ये प्रथमा एक वचन है पुल्लिंग का, ठीक है ना। अब स्त्रीलिंग में लिखेंगे तो ये हो जाएगा स्फुरंती। ये कैसे हुआ, ये स्फुर धातु के अंदर दो प्रत्यय है, एक तो सत्री प्रत्यय है जिससे स्फुरन बना, और फिर इसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए गीत प्रत्यय और जोड़ना पड़ेगा, दो दो प्रत्यय है इस तरह से, ठीक है ना। इसमें कोई उपसर्ग नहीं है, सीधा स्फुर धातु है और क्षत्री प्रत्यय, उससे ये स्फुरन शब्द बना, उसके अंदर फिर गीप प्रत्यय और जोड़ा, क्षत्री प्रत्यय के अंदर गीप प्रत्यय और जोड़ा तो स्फुरंती बन गया। ओके, अब गति, गति के अंदर गम धातु है और ये आपको लास्ट में ती विसर्ग दिख रहा है, उसमें कतिन प्रत्यय है, तो गति में भी गम धातु कतिन प्रत्यय। ये प्रत्यय हमारे चैनल पर पढ़ाए, आप लोग पढ़ोगे तो आपको वहां समझ में आ जाएगा, फिर यहां तो आप चुटकी में करोगे, ऐसे सवाल तो चुटकी में करोगे, आपको हार्ड लग रहा है ना, लेकिन वहाँ हमारे प्रत्यय पढ़ाए हुए हैं, उसको एक डायग्राम बनाया हुआ है, उस डायग्राम को याद कर लोगे तो आपको कोई भारी नहीं लगेगा, ठीक है ना। ये आपके गम धातु और कतिन प्रत्यय हो गया। अब आता है विहाय, विहाय के अंदर वी उपसर्ग है, हा धातु है और लेप प्रत्यय है, ठीक है ना, तीनों ही है ऐसे, ठीक है ना, वी उपसर्ग है, हा धातु और लेप प्रत्यय। लेप प्रत्यय वहां पर आता है जहां उपसर्ग होता है, बिना उपसर्ग के लेप प्रत्यय नहीं आता है, उसकी जगह क्या आता है, कत्वा प्रत्यय आता है। अब थोड़ा सा नीचे जाके देखते हैं, ठीक है। अब यहां पर आपके प्रसन्नम शब्द है, क्या शब्द है, प्रसन्नम, प्रसन्नम के अंदर प्र उपसर्ग है, प्र प्र प्रा अपसम अनु अवनि से निर दोस दूर इस तरह से उपसर्ग होते हैं। प्र उपसर्ग के अंदर सद धातु है और आपके लास्ट में आपको पता है प्रसन्नम, इसके अंदर आपके कत प्रत्यय है, किस तरह से, इस तरह से, ठीक है ना, प्र उपसर्ग सद धातु और कत प्रत्यय, क्लियर हुआ। अब आता है मनीषिता, मनीषिता के अंदर आपके बहुत ही शानदार चीज है, यहाँ पर मनीषिता के अंदर मनीषा शब्द है, मनीषा शब्द है, ठीक है ना, मनीषा के अंदर इतच प्रत्यय है और इतच प्रत्यय के अंदर टाप प्रत्यय है। ये चीज़ें आप लोग यहाँ आपके कोर्स में तो नहीं है, लेकिन अगर दे दी तो हमारे चैनल पर इतच प्रत्यय, इमनिच प्रत्यय, टाप प्रत्यय, गी प्रत्यय है ना, गीस प्रत्यय सारे समझाए हुए हैं,
तो यहाँ पर हमने लिख दिया मनीषा शब्द, उसके अंदर इतज प्रत्यय और टा प्रत्यय है, ठीक है ना। मनीषा से इतज प्रत्यय से मनीषी बना, मनीषी के अंदर टाप प्रत्यय जुड़ा तो स्त्रीलिंग शब्द बन गया। ये गीप और टाप प्रत्यय है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाते हैं। तो यहाँ पर ऐसे दो शब्द ऐसे हैं जिसके अंदर दो दो क्या है, दो दो क्या है, प्रत्यय है, और धातु तो सब में है, ठीक है ना। उसके बाद में ये एक दो तीन और चार शब्द ऐसे हैं जिसमें आपके एक एक उपसर्ग है, और एक शब्द ऐसा है जिसमें आपके दो क्या है, उपसर्ग है। इस तरह से आपके ये दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। यहाँ पर है आपके समास, निम्नलिखितेषु पदेषु समास करणीय, समास करना, विग्रह करना थोड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर तो समास ही करना। शरीरस्य विज्ञानम, शरीर विज्ञानम, सुमेरु श्रृंगा, सुमेरो श्रृंगा, सुमेरु श्रृंगा का क्या बन जाएगा, सुमेरु श्रृंग, सुमेरु मूल शब्द लिखना है, और मयूराणाम नर्तनम, तो ये षष्ठी बहुवचन है, तो अपने को यहाँ कोई मयूर नर्तनम मैन शब्द लिख करके नर्तनम, विद्या इसकी विभक्ति है तृतीय एक वचन, तृतीय एक वचन को हटा करके विद्या समृद्ध है लिख देना, सेकतस्य वप्र है तो षष्ठी एक वचन को हटा करके सेकत वप्र है, इस तरह से लिख देना, यानी कि ये तत्पुरुष समास है सब में, इसकी षष्ठी हटा करके इसने ये लिख दिया तो सुमेरु श्रृंगा, ये षष्ठी तत्पुरुष, ये षष्ठी तत्पुरुष, ये तृतीय तत्पुरुष और ये षष्ठी तत्पुरुष, इस तरह से आपको लिखना है। ये इस तरह से आपके समासिक शब्द लिखना है, क्योंकि विभक्ति हटा करके लिखना है, बाकी तो आपको कुछ नहीं करना है। अब आपके दो प्रश्न रह गए हैं। इस प्रश्न के अंदर आपको अधोलिखिता नाम समस्त पदा नाम विग्रह करवंतु, विग्रह करना है। कृष्ण शिलासु तो क्या होगा, कृष्णासु शिलासु, इस तरह से आपको इसका समास विग्रह कर देना है। दूसरा क्या है, स्नेह आर्द्र है, प्रेम से भीला हुआ, तो से में तृतीय विभक्ति लगती है, तो स्नेहेन आदर्श है, तृतीय तत्पुरुष समास होगा। अब उसके बाद में मधुर विराव है, तो मधुर और विराव एक ही शब्द है, तो ये यहाँ पर कर्मधारय, स्नेह और आर्द्र अलग अलग चीज़ है, ये अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर आपके ये कृष्णासु शिलासु, कृष्ण शिलाओं पर, यहाँ पर आपका ये जो आपका कर्मधारय समास बन गया, स्नेहेन आर्द्र है, यहाँ तृतीय तत्पुरुष समास बन गया, और मधुर है चय अशौ विराव है, यहाँ पर आपका मधुर चय अशौ विराव, इस तरह से आपका ये कर्मधारय समास बन गया। फिर क्रेमलक है गति, यहाँ पर देखिए ये षष्ठी तत्व समझ बन गया, क्रेमल का नाम गति यानी ऊँटों की गति। फिर आएगा विद्या समृद्ध है, तो विद्या समृद्ध है, विद्या से समृद्ध, तृतीय तत्व समास हो जाएगा। और चंचल चंद्रिका, चंचला चयम चंद्रिका है ना, स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए इस तरह से आएगा, ये भी आपके कर्मधारय समास है। ये इस तरह से आपका इसका समास विग्रह आपको करना है, ठीक है ना। स्नेह है प्लस आर्द्र, यहाँ पर दीर्घ संधि भी है और तृतीय तत्पुरुष समास भी है, स्नेहेन आर्द्र है, मधुर है चाहे अशौ विराव है, ठीक है ना, ये सेम चीज होती है ना, जो मधुर है वही विराव है, तो वहाँ पर अशौ लिखते हैं पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में लिख देते हैं इयम, ठीक है ना। चंचला चय इयम चंद्रिका, क्रेमल का नाम गति यानी ऊँटों की गति, विद्या समृद्ध यानी विद्या से समृद्ध, ये भी तृतीय है, ये भी तृतीय है, लेकिन ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। शब्द रूप और धातु रूप और प्रत्यय वगैरह आ गए तो आप समास कर सकते हो। समास हमारे चैनल पर बहुत अच्छे से समझाए, वहाँ पर समझोगे तो यहाँ आपके ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ये तो बहुत सरल शब्द है। अब ये चीज़ आ गई आपके मेन चीज़, ठीक है ना, वाच्य परिवर्तन करना। जो वाच्य के प्रश्न हैं ये पहली बार आपके आए हैं, ठीक है ना, तो ये वाच्य आपके कोर्स में भी है, व्याकरण के अंदर भी है। वाच्य परिवर्तनम यानी कर्तृवाच्याद क्रमवाच्यम या क्रमवाच्याद कर्तृवाच्यम, जो वाच्य है वो पता लगा करके उससे किसी दूसरे में चेंज करने हैं। तो देखिए वाच्य एक ऐसा टॉपिक है, मैं आपको आराम से और धैर्य के साथ बता देता हूँ कि हमारे चैनल पर जो वाच्य पढ़ाए हुए हैं ऐसे आपको कहीं पर भी पढ़ने को नहीं मिलेंगे। वाच्य किसी के समझ में आने के बस की बात नहीं है, लेकिन हमने जिस तरीके से पढ़ाया है उस तरीके से ही किसी न किसी प्राणी को समझ में आ सकता है। इसलिए हमारे चैनल पर या तीन या चार जो भी पाँच वीडियो बने हुए हैं सबके सब आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाए कि वाच्य क्या चीज़ है। ये न मरु न दृष्ट है, जिसके देखिए यहाँ पर अयम चरकेण प्रशंसित है, ये उदाहरण है, यह चरक के द्वारा प्रशंसित है, तो इमम चरकेण प्रशंसित है, अयम शब्द है, ये शब्द आपके अयम क्या है, अयम आपके पुल्लिंग है, पुल्लिंग है तो प्रथमा एक वचन है, प्रथमा एक वचन है, तो इसको ये चरकेण की जगह तृतीया की जगह क्या हो जाएगा, प्रथमा हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपके यहाँ पर जो है आपके ये कर मतलब
कर्मवाच्य है, ठीक है ना। अयम चर्केण प्रशंसित है, तो यहाँ पर तो आपके कर्तृवाच्य है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया कर्मवाच्य। चरके है इमं प्रशंसितवान, चरक ने इसको प्रशंसित किया, इस तरह से बन गया। अब देखिए येन मरु न दृष्टे, जिसके द्वारा मरुस्थल नहीं देखा गया है। येन यानी जिसके द्वारा मरु यानी मरुस्थल न दृष्टे यानी नहीं देखा गया है। तो यहाँ पर ये आपका येन यानी जिसके द्वारा, तो ये जिसके द्वारा है तो आपके तृतीया विभक्ति आ गई। इसका मतलब यहाँ पर ये आपका कर्मवाच्य है, कर्तृवाच्य नहीं है। यहाँ पर तृतीया विभक्ति है, इसका मतलब ये आपका कर्मवाच्य है, कर्तृवाच्य नहीं है। या फिर इसको भाववाच्य कह सकते हैं, कर्मवाच्य कह सकते हैं, लेकिन तृतीया विभक्ति वाला कभी भी कर्तृवाच्य नहीं होता है। तो तृतीया को प्रथमा में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, तृतीया को प्रथमा में कन्वर्ट करो। तृतीया को किस में कन्वर्ट करोगे, प्रथमा में, और प्रथमा को द्वितीय में कन्वर्ट करोगे, फिर नय का नहीं रहेगा, दृष्ट है इसका हो जाएगा अपश्चात, भूतकाल बन जाएगा। समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है ऐसे समझ में नहीं आता है, क्योंकि 10 रूल एक एक साथ चलते हैं यहाँ पे। तो अपने यहाँ पर क्या लिखेंगे, यह है मरुम न पश्चात, यानी तृतीया को प्रथमा में कन्वर्ट करना है और प्रथमा को द्वितीय में कन्वर्ट करना है, तो बन जाएगा ये कर्तृवाच्य। ये जो मरुस्थल को नहीं देखा या जिसने मरुस्थल को नहीं देखा, स किम अपश्चत, ये आपका कर्तृवाच्य, ये कर्तृवाच्य। यहाँ कर्मवाच्य था उसको कर्तृवाच्य में, और यहाँ पर कर्तृवाच्य है उसको कर्मवाच्य में चेंज करना है। स किम अपश्चत, उसने क्या देखा, तो इसको उसने क्या देखा को लिख कर्मवाच्य में कैसे करेंगे, उसके द्वारा क्या देखा गया, तो किम आपका नपुंसक लिंग है, ये प्रथमा और द्वितीय में एक जैसा ही रहता है, स का तृतीय में तेन हो जाएगा। उसके द्वारा क्या देखा गया, तो अपश्चत का हो जाएगा दृष्टम, कत प्रत्यय युक्त ये बन जाता है। तो आप क्या लिखेंगे, तेन किम दृष्टम, फिर तित्र ये मधुर है विराव है क्रियते, तो तित्र यानी तित्रों के द्वारा मधुर विराव यानी मधुर कूजन क्रियते यानी किया जाता है। तो ये आत्मनेपदी क्रिया आती है, यहाँ तृतीय आती है, तो वो आपका कर्मवाच्य होता है। कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति है, इसको द्वितीय में कन्वर्ट करना है और तृतीय को प्रथमा में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर होगा तित्तिरहा प्रथमा बहुवचन, मधुरम विरावम क्रियते की जगह यहाँ पर बहुवचन है तो क्रिया हो जाएगी बहुवचन। यहाँ तृतीय है तो यहाँ क्रिया से इसका कोई लेना देना नहीं, यहाँ प्रथमा आएगी तो यहाँ पर कुर्वंती बन जाएगा। मैं जानता हूँ कि आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि वाच्य टॉपिक ऐसा है, लेकिन मैंने जो कुछ बोला है वो अति आवश्यक था, वही नियम यहाँ पर वाच्य में लागू होते हैं। अगर ये सारी जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो हमारे वाच्य नाम के टॉपिक आपको देखने ही पड़ेंगे। ये बन गया तित्रः मधुरम विरावम कुर्वन्ति, क्लियर हुआ। अब देवाः प्रसन्ना भवन्ति, ये कर्तृवाच्य, क्योंकि कर्ता में प्रथमा कर्तृवाच्य, कर्म में प्रथमा कर्मवाच्य, ठीक है ना। तो देवाः की जगह तृतीय बहुवचन में देवई, ठीक है ना, उसके बाद में प्रसन्नः, ये तो आपके सेम टू सेम रहेगा। भवन्ति का क्या हो जाएगा, भूयन्ते, ठीक है ना, ऐसे होगा, ये राइट है आपका। देवाः प्रसन्नः भवन्ति, तो यहाँ पर आपके देवा क्या है, कर्ता है, भवन्ति क्या है, क्रिया। अब प्रसन्ना क्या है, प्रसन्ना न तो कर्म है न कोई बात, ये देवा का विशेषण है, तो विशेषण विशेष में सेम विभक्ति आई है, तो पासबुक वाले ने गलत लिखा है, यहाँ प्रसन्ना का प्रसन्ना ही लिखा है तो गलत है। इसलिए मैं कहता हूँ कि कितने भी बड़े कलाकार बन जाते हैं व्याकरण के आचार्य, लेकिन उनकी वाच्य में कहीं ना कहीं गलती निकल जाती है। तो देव ही प्रसन्न ही भूयन्ते, जो इसके अंदर तृतीय बहुवचन आएगी तो इसके अंदर भी तृतीय बहुवचन आएगी, और इस तरह से आपका ये पूरा हो जाएगा। और ये पाठ भी पूरा हो गया है। इसके बाद में जो अगला पाठ है आपका 13वां पाठ है, महाराजा सूरजमल विजयते, ये महाराजा सूरजमल से संबंधित है, ये भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। उसके बाद में 14वां और 15वां भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है, यानी कि पहले से लगाकर 15वें पाठ तक और एडी से चोटी तक जितना भी संस्कृत का जो भी राजस्थान बोर्ड की तरफ से होता है सब कुछ हमारे चैनल पर बहुत ही बेरहमी से पढ़ाया, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया है, आप उनका अध्ययन आवश्यक रूप से करें। इन्हीं शब्दों के साथ में हम हमारी मधुर वाणी को यहीं विराम देते हैं। भगवान आपका भला करें, हे भगवान भला सबका करो, शुरू हमसे करो। छठी से दसवीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।